स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। क्या ये स्कूल्स में जो एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं, ये क्या सिर्फ स्कूल ही ले रहा है या कोई इसका और भी हिस्सेदार है? मैं बात करता हूं तथ्यों के आधार पर। बहुत सारे लोग परेशान हैं इस एनुअल चार्जेस को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कह दिया और वाहवाही भी लूट ली कि आपको सिर्फ एनुअल चार्जेस देने हैं, इसके अलावा कोई एडमिशन फीस, कोई और चार्जेस नहीं देने हैं। क्या आपने एनुअल चार्जेस सेट किए? वो कितने होने चाहिए? नहीं किए तो जनाब सुन लीजिए, ये एनुअल चार्जेस स्टार्ट हो रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हजार तक, 6,000 से लेकर 25,000 तक स्कूल अपनी मर्जी से चार्ज कर रहे हैं। और ये बात आपको बली भांति पता है। जब मैं आपको कहता हूं तो ये गवर्नमेंट को कह रहा हूं, प्रशासन को कह रहा हूं, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को कह रहा हूं, 6,000 से लेकर 20,000 से 25,000 तक ये एनुअल चार्जेस चार्ज किए जा रहे हैं। आपने कह दिया एडमिशन फीस नहीं लेनी है। हाँ, वो एडमिशन फीस, एनुअल चार्जेस, बाकी चार्जेस को एक ही नाम दे दिया गया है, एनुअल चार्जेस। एक मुझे कॉल आया, वो कहते हैं कि मुझसे एनुअल चार्जेस मांगे जा रहे हैं 10,000 रुपया, मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में आ रहा है, यूकेजी से फर्स्ट में प्रमोट हो रहा है, 10,000 रुपया मुझे एनुअल चार्जेस देने हैं। मैंने कहा आपकी फीस कितनी है स्कूल की? वो कहते हैं 1,100 रुपए। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो 11-12 हजार पूरा साल फीस देगा, पूरे साल की फीस उस स्कूल की 12,000 है, लेकिन एनुअल चार्जेस कितने हैं? 10,000 रुपए। यानी कि जितनी वो स्कूल की फीस पूरे साल में देगा उतना ही एनुअल चार्जेस लगभग। और आप कहते हो कि शिक्षा हमको घर घर तक पहुंचानी है। फेल हो आप लोग। इसलिए मैं हैरान हो गया कि हमारा प्रशासन, गवर्नमेंट, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के लोग इतने भी नजर कमजोर नहीं हो सकती उनकी, इतने भी कान बहरे नहीं हो सकते उनके। तो इसलिए मैंने सवाल पूछा, क्या ये एनुअल चार्जेस सिर्फ स्कूल ही ले रहा है या कोई और हिस्सेदार भी है इसका? इस बात को समझिए। शराब की दुकान पर शराब लेने जाते हो, उस पर एमआरपी लिखी हुई है। कोई भी सामान आप ले लो, मेडिसिन की दुकान पर मेडिसिन लेने जाते हो, एमआरपी लिखी है। आप एक सुई लेने जाते हो बाजार में, उस पर एमआरपी लिखी हुई है। आपने एनुअल चार्जेस पर एमआरपी लिखी ही नहीं। क्यों नहीं लिखी? जब आपने यह कह दिया कि कोई एडमिशन फीस नहीं लेनी है, सिर्फ एनुअल चार्जेस ही देने हैं आपको स्कूल्स को, तो वो बताओ साहब कितने एनुअल चार्जेस देने हैं? अगर एक, जैसे इसी केस की बात करूं, वो कहता है कि मेरी जो मंथली फी है 1,100 रुपए है, तो एनुअल चार्ज कितने होने चाहिए? एक फी को, एक महीने को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 और 11, 2,200 रुपया, या तीन साल महीने की फीस एक साथ 3,300 रुपया, वो 10,000 ले रहा है। और कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरी फैमिली मेंबर हैं, जिन्होंने 15,000 से 20,000 रुपए एनुअल चार्जेस पे किए हैं। तो इसमें एमआरपी क्यों नहीं है? यह बड़ा सवाल है। और जम्मू कश्मीर इससे परेशान है। जब भी कोई नेता स्टेज पर खड़ा होकर कहे ना कि हमने घर घर तक शिक्षा पहुंचानी है, तो अपना जूता उतार कर उस स्टेज पर मार देना जोर से। एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये शब्द मुझे शोभा नहीं देते, लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया, क्योंकि उस वक्त वो सफेद झूठ बोल रहा होगा, सफेद झूठ बोल रहा होगा। एनुअल चार्जेस पर एमआरपी नहीं है, हर साल किताबें चेंज होती हैं,
मेरा बच्चा थर्ड में गया, सेकंड की बुक्स में किसी अपने कजन को देना चाहता था, उसका बच्चा सेकंड में आया, स्कूल कहता है सिलेबस चेंज हो गया। हर साल सिलेबस चेंज होता है कि बच्चा पुरानी बुक यूज ना कर सके, हमसे नया सेट खरीदे। स्कूल की जो ट्यूशन फीस है, पर मंथ फी है, वो 3,000 से 4,000 भी है प्राइवेट स्कूल में। इसलिए मैंने कहा, जब भी कोई नेता स्टेज पर खड़ा होकर यह कहे कि हमें घर घर तक शिक्षा पहुंचानी है, कर देना जो मैंने कहा है, क्योंकि उस वक्त वो सफेद झूठ बोल रहा होगा। अफसोस होता है मुझे यह देखकर, क्योंकि वो मैं स्टेज भी कवर कर रहा हूं, मैं वो नेता की स्टेज भी कवर कर रहा हूं और इन पेरेंट्स का रोना भी देख रहा हूं, इनका गिड़गिड़ाना भी देख रहा हूं मैं। आप कह दो ना स्टेज पर खड़े होकर, जब आप किसी जलसे को संबोधित कर रहे होते हो, कह दो साहब हमने शिक्षा घर घर तक बेचनी है, जिसमें दम है जिसमें ताकत है वो अपने बच्चों को पढ़ा ले, नहीं तो जनाब समोसे बेचो, पकोड़े बेचो, चाय की दुकान खोलो, 50 काम है करने को, पंचर लगाओ टायरों को, बहुत काम है इसमें, गाड़ियां बहुत बिक रही हैं आजकल, टायर पंचर लगाओ, फ्रूट बेचो, सब्जी बेचो। ये कभी मत कहना आज के बाद, अगर मैंने किसी स्टेज पर किसी नेता को सुन लिया तो मैं आपको वही जवाब दे दूंगा। और ये दायित्व वहां बैठे रैली में बैठे हुए सभी लोगों का बनता, चाहे वो वर्कर है कार्यकर्ता है, वो अपने नेता से सवाल पूछे, साहब और झूठ बोल रहो लेकिन हेल्थ पर और एजुकेशन पर झूठ मत बोलो, क्यों नहीं सेट किया आपने एनुअल चार्जेस पे एमआरपी, एमएसपी, एमआरपी नहीं एमएसपी, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, हम ज्यादा से ज्यादा कितने की बेच सकते हैं एनुअल चार्जेस। आपको बोलना चाहिए था कि एडमिशन फीस कोई नहीं देनी है, एनुअल चार्जेस की मैक्सिमम लिमिट ये है, आपने सेट ही नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है उस पर, क्योंकि मेरे पास कोई आपका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि क्या ये स्कूल ही एनुअल चार्जेस ले रहे हैं या कोई और हिस्सेदार भी है। शर्म आती है ऐसी रिपोर्ट्स करते हुए, और आपको बड़े बड़े मंच से झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, लानत है। शिक्षा मत बेचो साहब, हेल्थ मत बेचो, स्वास्थ्य और शिक्षा मत बेचो। यहां जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो आज भी, जिस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, किडनी पेशेंट हैं, लीवर पेशेंट हैं, और जो सिवेर जो डिजीज है उससे ग्रस्त होकर एड़ियां रगड़ रगड़ कर घर में मर जाते हैं। आपके पास आयुष्मान भारत भी कवर नहीं करता उनको, उस क्राइटेरिया में नहीं आते, वो मर जाते हैं एड़ियां रगड़ रगड़ घर में। और शिक्षा आपने इतनी महंगी कर दी, गरीब की पहुंच से इतनी दूर कर दी, इसलिए मैंने कहा शर्म आनी चाहिए आपको। हम कभी तरक्की नहीं कर सकते अगर इन दोनों को हमने बेचना नहीं छोड़ा तो। एनुअल चार्जर पर चार्जर चार्जेस जो स्कूल ले रहे हैं उस पर एमएसपी तय कीजिए, कितने में बेचनी है वो, एक क्राइटेरिया सेट कीजिए, उसका रेट सेट कीजिए, इस बात को समझिए, परसेंटेज निकालिए। एक कॉल आया, उसके बच्चे की पर मंथ फीस 1100 रुपए है, तो एक साल की कितनी हुई, 13,000, 12,500-13,000 इतनी। वो एनुअल चार्जेस ले रहा है 10,000 रुपए, यानी कि जितनी पूरा साल उसने फीस दी उतना ही एनुअल चार्जेस। थिंक अबाउट इट, सोच के देखो, शायद आप लोगों को शर्म आ जाए कि देश को इस तरह से ना तोड़ो। देश बनता है, आप बोलते हो भारत माता की जय, मैं भी बोलता हूं, ये भारत माता कौन है, ये भारत माता है हम भारतीय,
जो यहां पर नागरिक हैं, लोगों से देश है। कभी ऐसा सुना है कि एक देश बड़ा महान है, वहां रहता कोई नहीं, वहां पॉपुलेशन जीरो है लेकिन देश महान है, ऐसा सुना कभी? नहीं, देश लोगों से है। शिक्षा और स्वास्थ्य मत बेचो, लोगों की पहुंच से दूर मत करो, इसके बारे में सोचना। उन एनुअल चार्जेस पर अंकुश लगाओ, एक स्कूल ज्यादा से ज्यादा कितना एनुअल चार्जेस ले सकता है? शराब की बोतल पर एमआरपी है, इस पर भी अंकुश लगाओ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।